कोई शायद ऐसा घर हो खुशकिस्मत जिसमें मसले ना हो, वरना 99% घरों में भी इशूज़ होते हैं, कोई ना कोई होते हैं, मियाँ बीवी का होता है, बाप बेटे का होता है, बहन भाइयों का होता है, कोई ना कोई होता ज़रूर है। कोई आदमी सड़क में खड़े होकर नहीं कहता मेरे घर के अंदर ये तमाशे हैं, और बाहर आकर आप ये बताते हैं सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। कराची शायद वो वाहिद शहर है जहाँ कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को जितने हैं उससे 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं, पेश करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। मैं ये बात हर जगह कहता हूँ कि शायद कराची शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा शायद, कि जहाँ पर रहने वाले लोग उसकी गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बर्स्ट करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। दुनिया में शर्क नहीं होता होगा। मुझे बताएं कि कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी गली की गटर लाइनों को बंद करता हो। कराची में करते हैं लोग, हमारे पास शवाहद है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियोज हैं, लोग करते हैं। हमारे अक्सर लोग आते हैं स्ट्रीट लाइट्स नहीं, मैं कह रहा रोज देखता हूँ स्ट्रीट लाइट लगती है, वो बच्चों के पास छर वाली बंदूक नहीं है, वो निशाना लेते हैं उस पर, एक दिन आप लगा के जो शाम को निशान लेके तोड़ देते हैं उसको। भाई हमारे आपके बच्चे हैं ना, कोई समझाए तो सही उन्हें, भाई निशाना कहीं और लो, ये आप स्ट्रीट लाइट तोड़ोगे तो ये किसका नुकसान, अपना नुकसान करें ना, ये कोई मैं अपनी जेब से तो नहीं लगाता हूँ, ये उन्हीं पैसों से लगती है जो आप टैक्स देते हैं, उसी से लगता है।